नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार के शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक अपर मुख्य सचिव जब रहा करते थे, तब उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुधारा। लेकिन जब से के पाठक को इस विभाग से हटाया गया है और उनकी जगह जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पदस्थापित किया गया है अपर मुख्य सचिव के तौर पर, तब से ही जब बिहार के सभी स्कूलों में जांच पड़ताल किया जा रहा है तो अजीबोगरीब खुलासा होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तब स्कूलों के बच्चों की उपस्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, शिक्षकों की उपस्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। सभी शिक्षक टाइम पे आते थे और टाइम से स्कूल से निकलते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब जो है शिक्षा व्यवस्था जो है बेपटरी हो चुका है। हम ऐसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जांच में खुलासा हुआ है कि एक स्कूल में मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बदतर दिखा है, बच्चों की उपस्थिति नहीं देखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। आपको बताते चले कि के पाठक जब से बिहार के शिक्षा विभाग से हटाए गए हैं तब से सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यूँ कहें तो व्यवस्था बेपटरी हो गई है। पूर्वी चंपारण के 4 स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम मिली और मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य परियोजना निदेशक की भी कार्तिक के धनजी ने 3 जुलाई को इन स्कूलों का निरीक्षण किया था। उन्होंने स्कूल के हेडमास्टरों से 24 घंटे में जवाब मांगा है। दरअसल राज्य परियोजना निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम है और मिड डे मील के पैसे का हालत गलत इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में स्कूल के हेडमास्टरों पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी 4 स्कूल के हेडमास्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हेडमास्टरों से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। जिन स्कूलों के हेडमास्टरों को नोटिस भेजा गया है उनमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय ममरखा, कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमलुआ, अरेराज प्राथमिक विद्यालय बहरावा कन्या प्रखंड अरेराज और उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरनी प्रखंड अरेराज शामिल है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक एवं समग्र शिक्षा ने सिरनी मध्य विद्यालय के हेडमास्टर से पूछा है कि मिड डे मील पंजी का पिछले दिन और आज के दिन की तुलना में 40 बच्चों को अधिक दर्शाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय में कुल नामांकन 250 है, पंजी के अनुसार उस दिन की उपस्थिति 178 थी, बच्चों के लिए बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं था, इसके अलावा कई खामियां पाई गई। बाकी 3 स्कूलों के हेडमास्टरों से भी इसी तरह की गड़बड़ी के मामले में सफाई मांगी गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 4 स्कूल में जांच पड़ताल किया गया, जांच के दौरान कई खामियां देखी गई, मिड डे मील से लेकर बच्चों के डेस्क बेंच तक की जो प्रॉब्लम थे वो देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो बच्चों की उपस्थिति है उसमें भी काफ़ी जो कम देखने को मिला। बच्चे स्कूल नहीं आते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन सभी हेडमास्टरों से जो है वो जवाब मांगा गया है। अधिकारियों ने जवाब मांगा है कि आखिर किस वजह से स्कूलों में इतनी ज़्यादा जो खामियाँ हैं वो देखने को मिल रही है, आखिर कहाँ दिक्कतें आई है कि बच्चों के स्कूल में जो बच्चों की उपस्थिति 90% हो गई थी उससे फिर घटकर 60% होती नजर आ रही है, तो आखिर कहां पे दिक्कत हो रहा है। ऐसे में जो है फिर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब हेडमास्टरों से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है तो क्या कुछ जवाब निकल कर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।